27 जनवरी को गौतम अडानी के नेटवर्थ में 20.8 अरब डॉलर की कमी आ गई थी। किसी भी अरबपति को एक ही दिन में होने वाला यह सबसे बड़ा नुकसान था। अब कौन सी नई परेशानी का सामना करना पड़ेगा गौतम अडानी को, देखते हैं बिजनेस रिपोर्ट अंदर की बात में। जनवरी 2023 के पहले हफ्ते की बात है जब क्यास लगाया जा रहा था कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी कभी भी टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को पीछे छोड़ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बन जाएंगे। तब दोनों के बीच संपत्ति का फासला केवल 16 अरब डॉलर का रह गया था। लेकिन जनवरी के चौथे हफ्ते 24 जनवरी 2023 को जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी समूह पर हेराफेरी के जरिए कंपनियों के शेयरों को भगाने का आरोप लगाने वाले रिपोर्ट को जारी किया, तब अडानी समूह के स्टॉक्स ताश के पत्तों के समान गिरने लगे। अगले एक महीने में अडानी समूह के स्टॉक्स 85% तक नीचे जा फिसले तो अडानी समूह को 20,000 करोड़ रुपए के अडानी एंटरप्राइजेस के मेगा एफपीओ को भी वापस लेना पड़ा। तो गौतम अडानी का नेटवर्थ घटकर 40 बिलियन डॉलर पर आ गया, जबकि अक्टूबर 2022 में एक समय उनका नेटवर्थ 133 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। अब गौतम अडानी का नेटवर्थ 60.30 बिलियन डॉलर है और मौजूदा वर्ष के पहले 6 महीने में उनके संपत्ति में 60.2 अरब डॉलर की गिरावट आई है। गौतम अडानी अभी भी नेटवर्थ के मामले में इस वर्ष के हाई से 60 अरब डॉलर पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST.